हम लोग ट्राई कहते हैं क्यों कि अगर गिर गए ना फिर गए, नहीं ट्राई कर रहे थे, नहीं कहे कहो किया मैंने, डिड नॉट वर्क आउट, अब तुम्हारे ऊपर है उसको दोबारा करना चाहते हो या छोड़ के कुछ और करो, पर ट्राई करके अपने को बचाओ मत। इसलिए मैं करता हूँ, अभी मैं आपसे इंटरव्यू देखता हूँ यार, नहीं देखता हूँ नहीं, मैं कर रहा हूँ। सर ये जो आपने बोला ट्राई करो जी और फिर देखो, इसमें सर मुझे तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इश्क से, तो इश्क के बारे में क्या सोचते हैं सर? बहुत जरूरी है जिंदगी में प्यार होना। मैं आकर्षण में अपने बारे में समझ पाया हूँ कि मुझे प्यार से प्यार है। वाह, मैं बहुत मुझे प्यारे लोग मैं प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। एक होता है ना कि ऐसे ही खड़े हो गए आप इससे बात कर रहे हैं, बढ़िया दोस्त से बात कर रहे हैं, अपनी जीवन संगिनी से बात कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ इंटरव्यू, मुझे बहुत प्यार है इस पूरे वार्तालाप से, जिस जोन की हम बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे से यहीं पर अगर एक सवाल पूछिए, बताइए बजट के बारे में आपका क्या कहना है, मैं क्या भाई मतलब नहीं है समझ, पर जिस चीज से आप प्यार करते हैं उससे प्यार करिए और घबराइए मत प्यार से। क्योंकि सर इफ आई में मैंने रिसेंटली आपके बहुत सारे पोस्ट फॉलो किए जी, और लोग आपके पर्सनल जीवन को लेकर कमेंट्स करते हैं, आप भी पढ़ते होंगे या नहीं भी पढ़ते होंगे, वो आपकी अगेन पर्सनल चॉइस है जी। तो सर जैसे भी आपने अपनी लाइफ में भी आपने एक नए रिश्ते में आ पाए, तो लोगों ने बोला होगा ये वही जो बात है कि इस एज में क्या हो रहा है, तो आपने कैसे उस चीज़ को देखा और कैसे आपने उस चीज़ को परसीव किया और उस बारे में अगर बात करना चाहें तो जैसे जब मैंने जब मेरा डिवोर्स हुआ और उसके बाद मैंने शादी की, दोनों ही पक्ष में कई लोगों ने कमेंट किया जी कि इस उम्र में है ना। अब यही आप याद रखिए कि उनका पूरा अधिकार है कि वो अपने सवालों को रखें, दुविधा है सोचें, उसके बारे में अपने कमेंट्स करें, पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या कट रहा है वो जानने के। बिल्कुल ठीक बात। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मेरी खुशी के लिए मैंने क्या सोचा है। और जब आप थोड़े समझदार हो जाते हैं, आपकी खुशी सिर्फ आपकी नहीं होती, चाहे वो दिखे कि इस आदमी ने सिर्फ इस खुशी के लिए किया है, लेकिन जानिए कि चीज़ कुछ बड़ी है, बड़ी है, और उस सबको मैनेज करके कोई आदमी बाहर निकला है। समझ आ रहे ना? बिल्कुल। लोग जब घबरा जाते हैं, कह रहे हैं तुम कहोगे मैंने अपने लिए किया है, किसी को आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जान लीजिए आपके भी आसपास कुछ लोग आपको कुछ करते हुए दिख रहे हैं। याद रखिए ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। अब करिए अपनी बात। तो जब मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके मैं खुश रह सकता हूँ, तो मैंने वो स्टेप लिया। और वो आपकी चॉइस थी? नॉट जस्ट दैट, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। न जाने कितने पर्सनल कमेंट्स आए जब लोगों ने कहा कि वी आर सो हैप्पी दैट यू आर टेकिंग अ कॉल फॉर योर सेल्फ। देखिए हम कहते हैं ना कि इस उम्र में ये इस उम्र के जो मजाक है वो बचपन से हो जाता है। बच्चों को कहा जाता है इस उम्र में तुम ये सोच रहे हो, बड़े को कहा जाता है इस उम्र में तुम ये सोच रहे हो, एज इफ सांस लेने का भी या सपने देखने की भी लोग बोलेंगे कि तुम तभी देख सकते हो। मुझे कईयों को बोलना पड़ा कि यार प्लीज़ मेरी ज़िंदगी का रेजिग्नेशन लेटर तुम मत लिखो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपनी तरह से जी रहे हो सर आँखों पर। बिल्कुल। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ अपने तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके। इसीलिए जब आप अपने रिलेशनशिप्स या अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे अनूठे ढंग से जीते हैं जिनको शायद लोगों को समझ ना आए, लोगों को समझाने की दरकार नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कीजिए और खुल के जीने से ना शर्माइए मत। मुझे सर पहले मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊँ, मैंने सोचा कि कुछ ऐसे आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं जिससे हमारी थोड़ी रील बन जाए, फिर मैंने देखा रिसर्च किया कि आपसे कंट्रोवर्सी निकाली नहीं जा सकती क्योंकि एक जगह किसी ने आपसे पूछा था कि बॉलीवुड के बारे में क्या होता है, नशे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, आपने कहा हर जगह चलते हैं, कहाँ नहीं चलता। तो फिर मुझे समझ में आया डैट आपका जो नज़रिया है दुनिया को और इस पूरे यूनिवर्स को देखने का, वो एक नॉर्मल इंसान, मैं नहीं कहूँगा इवॉल्व है क्योंकि सबसे कंपेरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ ऑन अ ब्रॉडर स्केल। मैं आपको बताता हूँ हम सब नॉर्मल हैं जी, कोई भी ऐसा नहीं, मैं कोई अब नॉर्मल नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता जिससे मैं दुखी हूँ जी।
अमूमन हम कंपेयर करके कुछ करके किसी की, आप देखिए आप किसी की बुराई करिए, पेट भर के बुराई करिए, उसके बाद आपको अच्छा फील नहीं होगा। सही कह रहे हैं, लेकिन अब बिटर टेस्ट रहेगा। ऑन द अदर हैंड मैंने पता है क्या देखा है, मैं इस मौके को वाह कहता हूँ, बहुत वाह का इस्तेमाल करता हूँ, मजा आ गया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के इस मौके को वाह कह रहा हूँ। अरे यार तू इसमें ठीक है, वाह तो वहाँ होगा, वहाँ तो भाई तू वेट करता रहेगा, मत कर, इसी मौके को वाहक है, इसी चीज को वाहक है, और तब आप देखेंगे ये बंदा जो इस मौके पर आपके पास है वो भी अमेजिंग है। तो बेसिकली मैं यकीन रखता हूँ एक्सीलेंस में, मैं कहता हूँ बी अमेजिंग इन योर वर्क। बिल्कुल, आई एम अ हार्डकोर प्रोफेशनल। आपको पता है कि मैं आज भी इंटरव्यू में वक्त से पहले पहुंचा हूं। बिल्कुल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम अमेजिंग एट माई वर्क, ओके, आई बी अमेजिंग एंड आई एम पैशनेट अबाउट इट, क्यों ना हूं मैं। मेरी जिंदगी है ना दोस्त। तो जब आप वेन यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, उसके बाद आपको टाइम है कि कोई क्या कह रहा है आपके बारे में। सच बात है, कोई बात नहीं। सो इस उम्र में जब मैंने अपने आप को सडनली पाया, ढाई साल पहले मैंने सोशल मीडिया डिस्कवर किया यार, उसके पहले मैं था ही नहीं। अब मेरे कहीं आप इंस्टाग्राम देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ खाना ही खाता है, ठीक है। उसी जगह आप लिंक्डइन देखेंगे तो कह रहे हैं तो मोटिवेशन टॉक्स करता है। उसी जगह आप यूट्यूब देखें तो कह रहे हैं ये तो ट्रैवल व्लॉग्स करता है। उसके बाद अभी किल रिलीज हुई है तो और उसके ही पहले तीन और चीज़ें रिलीज, रणनीति रिलीज हुई, उसके पहले सनफ्लावर रिलीज हुआ, ये जो सब भी आ रहे हैं ये सब वो एक्टिंग का हिस्सा है। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई एम एक्साइटेड अबाउट लाइफ, 4:45 उठ जाता हूँ यार। उसके बाद मेरी टीम चाहे सो भी रही हो, मेरे वॉइस नोट्स आते हैं, मैं नोट्स भेजता हूँ ये आज करना है, जल्दी सो जाता हूँ। 7:30-8 के बाद मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, बैड न्यूज़ आफ्टर दैट, नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। जिंदगी में ना एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप सदैव मूल्यवान रहें। हम सब चाहते हैं ना कि लोग हमारी इज्जत करें जी, सब लोग चाहते हैं जी। लोग इज्जत कब करते हैं? जब आप उनकी लाइफ में कुछ इजाफा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब आप कुछ ऐड करते हैं, नहीं तो होता ना ठीक छोड़ना, अभी पहले था, अभी जो पहले था नहीं होना है आपको, अभी था। तो मैं अभिनेता, उसके बाद 11 भाषाओं में अलग अलग अभिनेता, उसके बाद री इन्वेंट किया अपने को, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। अब फिल्म के अलावा मैं लोगों को मोटिवेट करने लग गया, क्योंकि मैं बातचीत करना पसंद करता हूँ, मैं पॉजिटिविटी खुद जीता हूँ, तो मैंने वो शेयर करना शुरू किया। तो आई क्रिएटेड अ न्यू एवेन्यू टू बी वैल्यूएबल। उसके बाद सोशल मीडिया के आकर मैं अपने वैल्यू और बहुत सारे लोगों को ऐड कर पाया, लोग आपको जान पाए और जान पाए, उनके जिंदगी में कुछ इजाफा कर पाया जी। मैं अब छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटी जगहों पर जाके उन पर व्लॉग बनाता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी हिमाचल में आया, एक मैगी की दुकान है वहाँ पर उसने मेरी फोटो लगा रखी है। एक सोलन में गया, वहाँ पर एक ये बंद समोसे की दुकान है, उन्होंने फोटो लगा रखी कि कहीं उनके उस रील से उनको फ़ायदा हुआ। आप जो देखते हैं रेस्टोरेंट जिनके बहुत नंबर्स होते हैं, उनको फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल, वो बड़ी दुकान हो या छोटी दुकान हो, मैं छोटी छोटी दुकानों में जाके वो करता हूँ, तो इट इज़ ग्रेट, आई एम एडिंग वैल्यू टू समबडी। किसी और को खुशी दे रहा हूँ, किसी और को कह रहा हूँ पता है आप इधर आएंगे ना, इस सड़क के बाईं तरफ एकदम इस बरगद के पेड़ के बिल्कुल सामने ये दुकान है, ज़रूर आइएगा। तो I am a value addition to people's life. तो सर क्विकली कुछ फूड रिकमेंडेशन अब आपसे पूछ ही लेते हैं। अरे यार, कुछ जो भी आपके दिमाग में बताओ ना, कहाँ कहीं कहीं भी जब आपके जैसे मतलब अगर आप मैसूर जाओ, मैसूर जाओ तो एक माइलारी डोसा जरूर खाना यार। माइलारी। अच्छा, अगर आप बेंगलुरु जाएं जी तो मेरे नाम का रेस्टोरेंट है विद्यार्थी भवन, जरूर जाएं। अच्छा, और हिमाचल अगर आप जाएं, हिमाचल में आपको बताता हूँ चाचू के पराठे, अरे गजब है भाई चाचू के पराठे। हाँ, ये बरोग के रस्ते में है, वो गजब की जगह है, वो अच्छा जोन है, वो पराठे बड़े अच्छे हैं। और एक तो ऐसे में कई सारे ढाबे हैं जो काफ़ी पसंद है। अगर कलकत्ता में आए तो मेरी वाइफ का ही कैफ़े है, बहुत अच्छा है, उसका नाम है अच्छा नारू मैग कैफ़े, ओके, ये सदर्न एवेन्यू में, बहुत अच्छा है। अगर आप बिरयानी खाना चाहें तो अरसलन की बिरयानी मेरी एकदम फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कलकत्ते में। कलकत्ते का एक और है फ्लूरीज, मुझे बहुत पसंद है, आई लव फ्लूरीज। उसके बाद महाराजा बोल के एक जगह है जहाँ पर बहुत बढ़िया कचौरी मिलती है, कलकत्ता में, दिल्ली, कलकत्ता में, वो अच्छी चीज़ है।
कलकत्ता में ही एक बहुत कमाल की इडली और साउथ इंडियन दुकान है, उसका नाम है उडुपी कैफे, राउज उडुपी। उसमें अब्दुल कलाम जी भी गए हैं, उनकी भी फोटो लगी हुई है, पर बेहतरीन, मतलब दो तीन तीसरा जनरेशन वहाँ पर वो लोग बनाते हैं। हर जगह गज़ब की चीज़ें हैं यार खाना। मुझे तो अभी भी नाथू की जो ये है, मुझे कमाल लगती है यार उनकी चाट, ओहो गज़ब लगती है। और दिल्ली में सर कुछ? दिल्ली तो एक बंगाली मार्केट, ये बता ही रहा हूँ। और दिल्ली में, दिल्ली में आप लोग मुझे बताओ यार, ज़रा मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे मैसेज बताओ कि यार दिल्ली में बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। हाँ आप आए हैं तो ज़रूर आप, मतलब हाँ लास्ट जामा मस्जिद में जाके मैंने खाया था यार, गज़ब था करीम का। दस्तरखाने करीम यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, निज़ामुद्दीन में वो बहुत अच्छा है। और पापड़ी मैंने, हाँ यूपीएससी में मैंने जाके खाई थी, वो सालों से वैसी है यार। अच्छा। अभी भी बहुत बढ़िया लगी, अभी भी लाइन लगती है, बहुत अच्छा लगा वो। तो ये सब का मिक्स है सर। एक एक बात और याद आ गया, पंडारा रोड में गुलाटीज, बटर चिकन। और सर एक एक झगड़ा हमेशा से रहा है, हैदराबाद की बिरयानी वर्सेस लखनऊ की बिरयानी वर्सेस और भी एक दो जगह की फेमस है। रहीम की निहारी भाई साहब हमारे लखनऊ में, ओहो हो, अरे यार मुंह में पानी आ रहा है मेरे भाई। तो इसमें मत पड़े, जहां पर जाए वहां एंजॉय करें, बिरयानी को चेपे समझ, चेप दो आप। लखनऊ जाता हूँ तो वहां की बिरयानी चेपता हूँ, टुंडे अब चेपता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ वहां की बिरयानी चेपता हूँ। तो जहाँ पर जैसे बम्बई की बिरयानी का भी अलग ही जोन है। अच्छा। अरे अरे उसका भी अलग जोन है, अलग है, कंपेयर मत कर, कंपेयर नहीं करें, जहाँ पर हो वहाँ का उड़ाओ। तो थोड़ा सा एक आपके मोटिवेशन वाले जोन में आते हैं। मुझे कई लोग जब पूछते हैं कि यार ये मोटिवेशन स्पीकर करते क्या है, भाई वो तो वही बोलते हैं जो हमें पता है, और कहीं ना कहीं बात भी सही है, लेकिन तब भी मोटिवेशन स्पीकिंग अपने में एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, मार्केट भी है, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इंक्लूडिंग यू आप भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक मोटिवेशन स्पीकर क्या कर देता है जो मतलब एक घंटे में या दो घंटे में जो बाकी लोगों को नहीं पता? तो लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि एक घंटे के इससे हमको क्या फ़ायदा है। ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा होता है तभी लोग बार बार बुलाते हैं, अलग अलग लोग बुलाते हैं। सबसे पहले बात यह है उम्मीद, जिससे हमारी बात शुरू हुई थी। देखिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको, अरे ऐसी कोई चीज़, हर चीज़ आप अमूमन जानते हैं, लेकिन तार जुड़ने बहुत ज़रूरी है जी। जैसे मैंने आज जो आपको बात कही, आप उम्मीद अपने लिए रखिए, दूसरों को डिस्मस मत करिए, आपको फ़र्क इमीडिएटली पता चल जाएगा। अगर आप सिर्फ इस चीज़ में जुड़ जाएं कि आप क्या करना चाहते हैं, उसको करने का तरीका ढूंढें, दैट्स इट। आप चाहे इस वक्त एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आपके सोटू से सपने से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप दिमाग से सोच लीजिए ये मेरा जरिया है वो करने का, तो तब आप देखेंगे कि आप अपने इस पल को ना जीवंत भाव से कहेंगे, नहीं बॉस चाहे तेरे को नहीं दिख रहा कि मैं वो करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बढ़ उसी तरफ रहा हूं। और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या होती है, आप जब निकल पड़ते हैं एक जर्नी पर, अपने को देख पाते हैं कि मैं एक जर्नी में हूं, तब आपको कई नई चीजें डिस्कवर होती है। Absolutely, sir. तो मैं पता नहीं कैसे मोटिवेशन में आया, क्योंकि मैंने खुद को मोटिवेट करना चाहता था, उसके बाद दूसरों को करना शुरू किया, वहां से करते करते सोशल मीडिया पहुंचा, सोशल मीडिया पहुंचते पहुंचते स्टैंड अप कॉमेडी दिख गया जी। मगर अगर आप सोचे मैं पहले से करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। तो एज यू कीप मूविंग न्यू होराइजन्स अपीयर, अरे ये भी है, अरे ये भी है। नाउ Choose the things that inspire you. बहुत जरूरी है कि हम वो चीज करें जो हमें इंस्पायर करता है। एक सवाल हो सर जी, भगवान पे यकीन करते हैं? फाइनल सर, बहुत जरूरी है। भगवान पे यकीन करते हैं सर? बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है, कहते हैं ना किस्मत भगवान भगवान का लिखा जी है कुछ, लेकिन उसके साथ साथ फ्री विल है कि जैसे किस्मत से मैं यहां पहुंच गया हूं, यहां पर आमने सामने बैठ गया जी। अब हम और आप क्या कह रहे हैं, ये हमारा फ्री विल है कि मैं यहां पर ये कर रहा हूं। यहां पर बैठ के मैं कुछ और भी कह सकता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर कुछ लिखा है वो होगा, और उसके अंदर फिर मैं अपना कुछ करूंगा। तो जो मैं सांस ले रहा हूं ये ऊपर वाले की वजह से है, किसी की वजह से, जिसके बारे में कोई समझ नहीं है मुझे, लेकिन
एहसास के बाद जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरा मेरा कुछ क्या कहते हैं, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए अपने इस सांस को शुक्रिया कहेंगे लीजिए, क्या बात है, है ना। और इसलिए से अमेजिंग थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, से अमेजिंग थिंग्स अबाउट अदर्स। एंड जिंदगी अनफेयर है, फेयरनेस मत ढूंढिए, ऊंच नीच है, अच्छा बुरा है। अब अपनी जिंदगी से कुछ अच्छा करिए ताकि अच्छाई की मात्रा कुछ बढ़ सके। बस सर के साथ बात तो मतलब मन करता है कि और सीखते रहे करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे समय सर का जो है वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। लेकिन आई होप आप ये पॉडकास्ट करने का दोस्तों वजह सबसे बड़ी ये थी, मैंने कोई भी सर से फिल्म रिलेटेड और कॉन्ट्रोवर्सी सब सवाल इसलिए नहीं पूछे बिकॉज बहुत कुछ ज़्यादा है सीखने को। वो सेंसेशनलाइजेशन इज़ नॉट द कोर हियर, कोर ये है कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप 5% भी अगर पॉजिटिविटी यहाँ से लेके जा सकते हैं तो हम शायद काम को कर दें। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज जेन्युइनली वेरी गुड टॉकिंग टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली इंटरेक्शन। ढेर सारा प्यार आप सबको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।